गट्टू चिंकी और आइसक्रीम। ये हम पास हो गए, ये मेरे होशियार बच्चे, बहुत खूब। मम्मी हम दोनों फर्स्ट आए। बहुत मेहनत की मेरे बच्चों ने, दिन रात पढ़ाई की और एग्जाम दिए। गट्टू और चिंकी स्कूल में फर्स्ट आए थे और इसी के साथ गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी थी। अब पढ़ाई बढ़ाई सब बंद, अब शुरू छुट्टियां। अब हम जाएंगे नाना नानी के घर। अरे लेकिन उसके लिए तो अभी बहुत वक्त है, तब तक तुम यहीं खेलो। तो फिर अभी हम चले ग्राउंड में, बाय बाय। गट्टू और चिंकी ने बैग फेंका और वो दौड़ पड़े ग्राउंड की तरफ। ये छुट्टियां शुरू हो गई, बताओ क्या खेलें? चलो हम लोग खेलेंगे अभी छुपन छुपाई। हम सब लोग छुपेंगे और गट्टू हमें ढूंढेगा। नहीं नहीं, हमेशा मैं ही क्यों? यार गट्टू जाना, हम लोग छुपते हैं ना, तो गिनती कर। अच्छा ठीक है, मैं तो अभी झट से सबको पकड़ लूंगा, जाओ भागो। एक दो तीन, मैं आ रहा हूँ। सारे बच्चे खेलने में दंग हो गए, उन्हें किसी भी चीज का ध्यान ही नहीं रहा। लेकिन धीरे धीरे सभी के गले सूखने लगे थे और उनके पसीने छूट गए थे, मानो अभी अभी नहा के आए हो। हाय राम ये गर्मी। अरे यार बहुत गर्मी है, आज सूरज देवता कुछ ज्यादा ही गुस्से में लग रहे हैं। मुझे बहुत प्यास लगी है। हाँ मुझे भी कुछ ठंडा खाना या पीने का मन कर रहा है। चलो हम लोग नींबू शरबत पीते हैं। अरे लेकिन हमेशा वाली नींबू शरबत के चाचा दिखाई नहीं दे रहे। तभी सामने से आइसक्रीम वाले चाचा आते हुए नजर आए। अरे वो देखो, सामने से आइसक्रीम वाले चाचा आ रहे हैं, चलो हम लोग आइसक्रीम खाते हैं। चलो चलो बच्चों, जल्दी आओ और जल्दी जल्दी आइसक्रीम खाओ। मुझे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर चाहिए। मुझे मैंगो आइसक्रीम दो। मुझे कैडबरी चॉकलेट वाला कैंडी। अरे हाँ हाँ बच्चों, सबको मिलेगा सबको मिलेगा, रुको रुको। सभी बच्चों ने बहुत शान से आइसक्रीम खाई। तेज धूप में बच्चों को शांति मिली। खेलते खेलते शाम कब हुई पता ही नहीं चला। सब बच्चे घर लौट आए। गट्टू और चिंकी बहुत थक गए थे। अरे बच्चों छुट्टियां लग गई, इसका मतलब ये नहीं कि तुम दिन भर खेलो कूदो, थोड़ी बहुत पढ़ाई भी कर लो। अभी मैं तुम लोगों को ड्राइंग और डांस क्लास में लगवा देता हूँ, ताकि तुम दिन भर धूप में ना निकलो। नहीं हमें क्लासेस नहीं जाना, हमें तो दिन भर खेलना है। बाहर धूप देखी कितनी है, बीमार हो जाओगे। धूप के कारण डिहाइड्रेशन होता है। अरे ज्यादा से ज्यादा पानी तो पिया करो। पता है आज हम सबके गले खेलते खेलते सूख गए थे, तो हमने आइसक्रीम खाई। हे राम, बच्चों के स्कूल शुरू थे तो वही अच्छा था, अब छुट्टियां लगी नहीं तो बाहर का खाना शुरू, ये बीमार होकर ही रहेंगे। अरे जाने दो, बच्चे हैं, कभी कभार आइसक्रीम खा लिया तो क्या हुआ। इसी तरह दिन बीतते गए। गट्टू चिंकी और सारे बच्चे दिन भर अब रोज आइसक्रीम खाने लगे थे। हर रोज आइसक्रीम खाने के चलते राजू बीमार हो गया था। चिंकी जल्दी से टीवी लगाना, मुझे बहुत बोर हो रहा है। अरे रुको रुको, मुझे न्यूज चैनल देखना है। नहीं पापा, हमें हमारे कार्टून देखना है, रुको ना। चिंकी ने झट से रिमोट खींचते हुए टीवी चालू कर दिया और टीवी पर आइसक्रीम का एड लगा हुआ था। मस्त मस्त कैडबरी आइसक्रीम खाओ और ठंडा ठंडा मजा पाओ। पापा मुझे भी आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है। नहीं पापा रुको, आइसक्रीम खाने की वजह से राजू बीमार हो गया था, इसीलिए चिंकी जिद मत करो। लेकिन कभी कभार आइसक्रीम खाने से बीमार नहीं होते, चलना तुझे भी मन नहीं करता क्या? मन तो मेरा भी करता है, लेकिन मुझे बीमार नहीं होना। ये तो सही बात कही तूने, अब क्या करें? तभी मम्मी बाजार से सामान लेते हुए घर आती है। उन्होंने इन सब की बातें सुन ली थी। उन्होंने कहा, हाय राम मेरे सयाने बच्चे कितने समझदार हो गए हैं। अरे देखो सौभाग्यवती, कभी कभार आइसक्रीम खाने से कोई बीमार थोड़ी होता है, आज के दिन खाने देते हैं ना। वैसे हमारे बच्चे तो समझदार है, रोज रोज थोड़ी ना आइसक्रीम खाएंगे। हाँ एक दिन आइसक्रीम खाने से तो कोई बीमार नहीं होगा, लेकिन गंदे पानी की आइसक्रीम खाने से जरूर बीमार हो जाओगे। तो अब क्या करें? आइडिया, मैं कुछ फ्रूट्स लाई हूँ और घर पर मैंगो भी है, चलो हम सब लोग मिलकर आइसक्रीम बनाते हैं।
मम्मा, क्या घर पर भी आइसक्रीम बन सकती है? अगर तुम्हारी मम्मा हो साथ तो चिंता की क्या बात। सभी लोग हंस पड़े और किचन की तरफ गए। गट्टू और चिंकी तो बहुत ही एक्साइटेड थे क्योंकि आज उन्हें आइसक्रीम जो खाने मिलने वाली थी। पापा भी बहुत एक्साइटेड थे। चिंकी के पापा, मैं स्ट्रॉबेरीज लाई हूँ, उसे छोटा छोटा काटना, तब तक मैं आम काटती हूँ। लेकिन मुझे तो चॉकलेट फ्लेवर चाहिए। अच्छा तो एक काम करो, बाजार से दो चॉकलेट लेकर आओ। और इसी तरह सभी लोग मिलकर आइसक्रीम बनाने में जुट जाते हैं। जैसे बैटर बन जाता है, मम्मी उसे फ्रीज में रख देती है। अब हम आज रात का वेट करेंगे और कल दोपहर तक हमें मस्त ठंडी ठंडी आइसक्रीम मिलेगी। इतना वक्त? अरे बाबा, इतनी मेहनत की, अब उसके आगे भी और इंतजार। बेटा, मेहनत का फल मीठा होता है। चिंकी ने फ्रीज का दरवाजा खोला। मम्मी, अभी भी आइसक्रीम नहीं बनी है? ये तो अभी भी पानी पानी ही है। जितनी बार फ्रिज खोलोगे उतना ज्यादा वक्त लगेगा तुम्हें आइसक्रीम मिलने में। बंद कर दो दरवाजा, थोड़ा इंतजार करना सीखो। अगर जीवन में कुछ अच्छा चाहते हो तो इंतजार करना जरूरी है। गट्टू और चिंकी दिन भर दरवाजा खोलते और फिर बंद करते, वो आइसक्रीम जमने का इंतजार कर रहे थे। वो दोनों भी बहुत एक्साइटेड थे। फाइनली दूसरे दिन सुबह तक उनकी आइसक्रीम जम गई। याहू, हमारी आइसक्रीम बन गई। चलो अभी हम राजू, पिंकी, राधा सभी को बुलाते हैं और उन्हें भी आइसक्रीम खिलाते हैं। हाँ, और अब हमारा बाहर का आइसक्रीम खाना बंद। अभी हम घर पर ही फलों की आइसक्रीम बना कर खाएंगे, फिर हम बीमार भी नहीं होंगे। और इसी तरह गट्टू और चिंकी ने मम्मी की मदद से बहुत समझदारी से काम लेते हुए गर्मी के ऊपर हेल्दी सॉल्यूशन ढूंढ लिया। चॉकलेट चैलेंज। गट्टू चिंकी के घर उनके मामा मामी और मौसा मौसी आए हुए थे। सब हॉल में बैठकर बातें कर रहे थे। मेहमानों को देखकर गट्टू चिंकी काफी एक्साइटेड थे। गट्टू चिंकी, आओ बेटा। गट्टू चिंकी मामा मामी और मौसा मौसी से मिले। उनकी तरफ से उन्हें ढेर सारी मिठाइयाँ, गिफ्ट्स और ढेर सारे चॉकलेट्स मिले। चॉकलेट्स पाकर गट्टू चिंकी बहुत ही ज्यादा खुश थे। पापा मम्मी और दादी मिलकर मेहमानों से बातें कर रहे थे। थोड़ी देर बाद बातें खत्म हुई और सब बातों से बोर होकर टीवी देखने लगे। चिंकी, कोई भी बात नहीं कर रहा, बोर हो गए सब। ऐसा ही चलता रहा तो जल्दी ही मौसा मौसी और मामा मामी निकलने की बात छेड़ेंगे और फिर चले जाएंगे। हमें उन्हें उलझाए रखना होगा। आइडिया, हम सब मिलकर गेम खेलते हैं। गेम? कौन सा गेम? तभी दोनों की नजर चॉकलेट्स पर पड़ी। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और दोनों एक साथ चिल्लाए, चॉकलेट चैलेंज। फिर क्या, थोड़ी देर डिस्कस करने के बाद गट्टू चिंकी सबके सामने जाकर बोले, क्यों ना हम टीवी देखने से अच्छा कोई गेम खेले। हाँ हाँ, क्यों नहीं, खेलते हैं, बहुत मजा आएगा। लेकिन कौन सा गेम खेलना है? तभी मामा जी ने गट्टू के हाथ में चॉकलेट्स देख लिए। कहीं तुम दोनों चॉकलेट चैलेंज खेलने की तो नहीं सोच रहे? यस, हमारे पास चॉकलेट्स हैं, तो क्यों ना हम चॉकलेट चैलेंज खेलें? जरूर खेलेंगे, बताओ कैसे खेलना है? हम आपकी जोड़ियां बनाएंगे, एक जोड़ी में दो लोग, जैसे कि मम्मी पापा, मौसा मौसी, मामा मामी और दादी चिंकी। हमारी जोड़ियां तो बन गई गट्टू, तुम्हारा जोड़ीदार कहाँ है? मैं आपको चैलेंज दूंगा ना, बाद में मैं आपके साथ खेलूंगा और चिंकी हमें चैलेंज देगी। ठीक है, बताओ क्या है तुम्हारा पहला चैलेंज? हर जोड़ी में से एक की आंख पर पट्टी बांधी जाएगी और उसे चॉकलेट दी जाएगी, उसे वो चॉकलेट अपने जोड़ीदार को खिलाना है। चलो अब सब लाइन में खड़े रहो। सब लाइन में खड़े हो गए और गट्टू सोचने लगा, पहला चैलेंज किसको दिया जाए? हाँ मामी, मामी आपको चैलेंज है कि आप आंख पर पट्टी बांधकर मामा जी को चॉकलेट खिलाओ। ये मामी, कम ऑन। फिर क्या, मामी की आंख पर गट्टू ने पट्टी बांधी और मामी को तीन बार घुमाकर फिर छोड़ दिया। मामी के हाथ में चॉकलेट था। मामी अंदाजा लेते हुए मामा को ढूंढने लगी। शिखा, मैं यहाँ हूँ। नो मामा जी, प्लीज नो चीटिंग। मामी जी बार बार मामा के पास जाती, उन्हें छूकर देखती और फिर दूसरे जोड़ी के पास चली जाती।
ऐसा काफी बार हुआ और अचानक कमाल हो गया। मामी ने पास जाकर चॉकलेट मामा जी के मुंह में डाल दिया। ये मामी जीत गई, मामी जीत गई। वाह मामी जी, आपने तो कमाल कर दिया। मामा जी को आपने पहचाना कैसे? सिंपल है, हर्ष का परफ्यूम सूंघते सूंघते उसके पास गई और चॉकलेट खिला दिया। बहुत अच्छे, अब मौसी की बारी। मौसी को पट्टी बांध कर छोड़ा गया। मौसी चॉकलेट लेकर मौसा जी को ढूंढने लगी, लेकिन मौसी ने मौसा जी समझकर गट्टू के पापा को चॉकलेट खिलाया और सब लोग हंस हंस कर लोटपोट हो गए। फिर मम्मी को पट्टी बांधी गई। मम्मी चॉकलेट लेकर पापा को ढूंढने लगी और थोड़ी ही देर में मम्मी ने पापा को चॉकलेट खिला दिया। बहुत खूब, दो बार चॉकलेट खाने वाला मैं पहला प्लेयर हूँ। मम्मी, आपने पापा को कैसे पहचाना? अरे सिंपल है, तुम्हारे पापा तो परफ्यूम लगाते ही नहीं। वाह मम्मी, वेरी स्मार्ट। दादी को पट्टी बांध कर छोड़ा गया। दादी सबको छू कर देखने लगी और चिंकी को ढूंढने लगी। चिंकी की हाइट कम होने के कारण पहले तो दादी को चिंकी मिली ही नहीं, लेकिन जब मिली तब चिंकी के मुंह खोलने से पहले ही दादी ने पूरा चॉकलेट गलती से उसके चेहरे पर रगड़ दिया। चिंकी का चॉकलेट से रंगा हुआ चेहरा देखकर सबकी हंस हंस कर हालत बिगड़ गई। गट्टू, अब तुम चिंकी के जोड़ीदार बनो, अब मैं तुम सबको एक चैलेंज दूंगी। दादी की बात सुनकर सब एक्साइटेड हो गए। दादी अंदर गई और काफी सारे पुलिस के डंडे जैसे लकड़ी के डंडे लेकर आई। बाप रे, इतने सारे डंडे, आप क्या करने वाली हो? अभी पता चल जाएगा, सब लोग अपने अपने जोड़ीदार के सामने बैठ जाओ। सब जोड़ीदार एक लाइन में आमने सामने बैठ गए। दादी ने बीच में चॉकलेट्स की प्लेट्स रखी और सबके हाथों को डंडे बांध दिए। अरे बाप रे, ये चैलेंज तो काफी टफ लग रहा है। दोनों हाथों पर डंडा बंधे होने के कारण हाथ बैंड ही नहीं हो रहा। सबके दोनों हाथों पर डंडा बंधे होने से सबके हाथ टाइट हो गए थे, मोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। चलो, तुम्हारे सामने चॉकलेट्स हैं, वो तुम्हें खाने हैं। शर्त ये है कि चॉकलेट मुंह तक पहुंचाने का माध्यम सिर्फ हाथ ही होने चाहिए। चलो करो चैलेंज पूरा। फिर क्या, सब एक एक टुकड़ा उठाकर खाने लगे, लेकिन दोनों हाथों पर डंडा बंधा होने के कारण हाथ मुंह तक पहुंच ही नहीं रहा था। फिर क्या, कोई चॉकलेट हवा में उछालकर मुंह में कैच कर रहा था, तो कोई मुंह हाथों के पंजों तक ले जाने की कोशिश कर रहा था। नजारा काफी फनी था। दादी सबका वीडियो निकालने लगी। थोड़ी देर बाद परेशान होकर सबने कोशिश करना बंद कर दिया, क्योंकि कोई भी ठीक से चॉकलेट नहीं खा पा रहा था। तभी अचानक चिंकी के दिमाग में आइडिया आया। उसने चॉकलेट का टुकड़ा गट्टू को खिलाया, गट्टू ने भी चिंकी को चॉकलेट खिलाया। दोनों चॉकलेट खाने लगे और एक दूसरे को खिलाते खिलाते उनके सारे चॉकलेट्स खत्म हो गए। ये देखकर दादी मुस्कुराई। फिर बाकी सबने मिलकर गट्टू चिंकी को कॉपी किया और एक दूसरे को चॉकलेट खिलाया। इस प्रकार बिना हाथ को बैंड किए हुए सबके चॉकलेट्स खत्म हो गए और दादी का दिया हुआ चैलेंज पूरा हो गया। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।